फिर हमारे यूनिटी वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मऊ जिला के फरीदपुर गांव में आज हम हाजिर हैं। यहां पे जो खेल कूद का प्रोग्राम किया गया है वो कबड्डी का है। रही बात कि हिंदुस्तान में कई प्रकार के गेम खेले जाते हैं, जिसमें मतलब सबसे सर्वप्रिय लोग रखते हैं एक तरीके से जो है क्रिकेट का। बोला जाए कि 95% लोगों के दिलो दिमाग पर जो है क्रिकेट का जुनून सवार रहता है। और रही बात हमारा जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी, उसके प्रति कम लोग रुचि रखते हैं। अगर देखा जाए इस वक्त मौजूदा समय में कुछ ही लोग जो होते हैं वो भारत की जो हॉकी टीम है उसके कैप्टन कौन है और कोच कौन है। हाँ, इसी तरीके से जो कबड्डी की जो हमारे हिंदुस्तान की टीम है उसके कैप्टन कौन है, कोच कौन है, ये सब मतलब जानना चाहिए लोगों को, लेकिन इससे रुचि कम है। इस बीच हम एक टीम विजयी हुई है जो स्टूडेंट नाम से जानी जाती है, उससे हम बात करके उनके कैप्टन से बात करके जानेंगे कि इस खेल में कैसे नियम है, क्या मतलब कितने पॉइंट है, कितने पॉइंट पर उनकी जीत होती है, यही सब जानने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, सबसे पहले हमारे यूनिटी वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप मतलब किस टीम से हैं? क्या आप किस टीम से? हम फरीदपुर की टीम से हैं जो विजयी हुई है। जो आपकी टीम विजयी हुई है उसका नाम क्या? फरीदपुर धर्मा। फरीदपुर, फरीदपुर धर्मा स्टूडेंट क्लब। ये जो आयोजन किया गया है कबड्डी का, देखा जाए इस समय मौजूदा समय में तो लोग ज्यादा क्रिकेट को महत्व देते हैं 95%, लेकिन आप लोग क्या समझे हैं, मतलब क्या आप लोगों की रुचि है कि आप लोग कबड्डी की तरफ? देखिए, हम लोगों के गांव में कबड्डी जितना मतलब कबड्डी को जितना मान सम्मान और दिया जाता है उतना क्रिकेट में हम लोगों के गांव के जो बच्चे सब हैं ये सब रुचि रखते हैं कबड्डी में। जैसे हम लोग फरीदपुर ग्राम में कबड्डी कबड्डी खेलने के लिए सब लड़के इतने उत्साहित रहते हैं कि दो टीम अपने गांव की ही बना लिए सब और अपने में ही खेल लिए सब। समझ लिए, इतना कबड्डी का क्रेज़ है हम लोगों के गांव में कि ये सब आप देख ही रहे हैं कि दो तीन टीम गांव की बन गई है। कबड्डी का क्रेज़ हम लोग के गाँव में इतना ज़्यादा है कि फाइनल जो फाइनल मारेगा उसको 8 पंखा फाइनल, और सेकेंड टीम को भी 8 पंखा और थर्ड टीम को 11 सेट दिया जाएगा। इतना क्रेज है कि हम बच्चे आपस में ये सब मिला के, लेकिन बहुत बड़ा योगदान मिला है अलप्रोच क्वाइन कंपनी की तरफ से, बहुत बड़ा योगदान मिला है जिसके अलप्रोच क्वाइन कंपनी हरिलाल की है, उनका गांव में कोटा भी है, हरिलाल कोटेदार उनका नाम है, उन्हीं की तरफ से मतलब हम लोग तो थोड़ा बहुत जो हुआ है वो किए हैं, लेकिन ऊपर से पूरा जितना सहयोग है सब अलप्रोच क्वाइन कंपनी हरिलाल की तरफ से दिया गया है। ये जो आप लोगों की टीम मतलब विजयी हो चुकी है, क्या इसके बाद भी मतलब आप लोग खेलेंगे? हाँ, फर्स्ट राउंड हो गया तो अब सेकंड राउंड में हमारी टीम प्रवेश कर गई है। अब सेकंड राउंड में कुछ बता नहीं सकते हैं, जैसे हम लोग खेलते हैं वैसे अदर गांव की भी टीम खेलती है। अब उन सब लोगों से मुकाबला होगा तो अब आगे पता चलेगा। इतना राउंड होता है तो इसमें विजय मानिए राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, फिर क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल, ऐसे ही होता है। अच्छा, ये जो फरीदपुर गांव है काफी रुचि रखता है, ये फरीदपुर गांव जो है काफी रुचि रखता है कबड्डी में, तो क्या मतलब कभी मतलब जिसे स्टेट लेवल पर खेलने का प्रयास किया? अभी तो नहीं किया, हम लोग ट्रायल देने में गया था मऊ में, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया ट्रायल में। अभी क्या वजह रही है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? गेम अभी उतना अच्छा नहीं है, अब मतलब प्रयास कर रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। अब गांव के जो बड़े लोग हैं वो दूर दूर जाते हैं खेलने, तो हम लोगों को आते हैं गेम में प्रैक्टिस करवाते हैं कि ऐसे ऐसे करो, नई नई स्किल बताते हैं, और मैं इधर उधर अपने ग्राउंड पे प्रैक्टिस करता हूँ। बगल में बंदी घाट है, वहाँ पर भी प्रैक्टिस करने जाता हूँ, स्किल नई सीखता हूँ। अब अभी तो मेरा गेम थोड़ा बहुत सुधरा है, अब आगे का कुछ पता नहीं, अगले ट्रायल में, अब मऊ में अगले ट्रायल में देखेंगे अपना क्या। अगर मतलब देखा जाए खेल कूद के संबंधित, यहाँ पे मतलब हमारे ज़िले में जो है ग्राउंड की कमी है, जैसे मतलब गांव से कम बच्चे जो है स्टेट लेवल पर और ऑल इंडिया लेवल पर खेलने के लिए जाते हैं, चूँकि यहाँ पे ऐसी सुविधा नहीं है, तो इसके लिए आप अगर रहता सुविधा ग्राउंड रहता तो आगे जाते, इसके लिए आप क्या? अगर इधर जैसे दिल्ली हरियाणा और हरियाणा जैसे व्यवस्था है वैसे अगर हमारे तरफ हो जाती तो हमारे तरफ के बच्चे सक्सेस हो जाते। जैसे ये कादीपुर के हैं, ये लोग इतने अच्छे खेलते हैं, ये हैं वो हैं कादीपुर के, और ये सब बच्चे हैं, ये सब नए नए बच्चे अभी से कबड्डी में रुचि ले रहे हैं तो आगे चल के जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन हमारे तरफ उतनी फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटी होती तो हम लोग जरूर कुछ ना कुछ करते। अगर स्टेडियम में नाम लिखवाना है तो यहाँ से जाना पड़ेगा मऊ बलिया मोड़ स्टेडियम में,
वहाँ भी जाना पड़ेगा। अब हम लोगों के पास उतना मतलब पैसा वैसा का दिक्कत है, घर को भी देखना है, अपना भी देखना है, पढ़ाई भी देखना है, कबड्डी भी देखना है, इसके वजह से अपना व्यवस्था नहीं हो पाता है। सुविधा के लिए हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जो है गवर्नमेंट को कुछ निर्देश या अपना सुझाव देना चाहेंगे? कुछ निर्देश या सुझाव क्या दें हमको इसके बारे में? जैसे मतलब आप के खेल में रुचि है, आपके गांव में फैसिलिटी नहीं, आप लोगों को मतलब 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, उसको मतलब जैसे आप अपने सुझाव के लिए कि कुछ गवर्नमेंट जो है ऐसा काम करे कि हमारे गांव के बच्चे जो आगे बढ़े। अगर मऊ तो ज़्यादा दूर पड़ जाता है, अगर हमारे तरफ कुछ फैसिलिटी होती स्टेडियम अहमदाबाद की में, तो हमारे जरूर हमारे गांव के बगल के आसपास के जरूर सक्सेस हो जाते। अगर स्टेडियम अहमदाबाद में रहता तो जरूर सक्सेस हो जाते। ये थे स्टूडेंट्स क्लब धर्मापुर के जो टीम फरीदपुर धर्मा जो है विजयी हुई है, उनके कैप्टन से हम बात किए, तो इन्होंने अपनी काफी खूबसूरती के साथ अपनी बात रखी, दिल की बात रखी कि अगर सरकार गवर्नमेंट की तरफ से हमको फैसिलिटी मिलती तो हम लोग काफी आगे जाते, तो यही सब बातें उनसे हुई। अब थोड़ी देर बाद हम दूसरे लोगों से भी बात करके जानेंगे कि इस प्रोग्राम कराने का मकसद इसके पीछे क्या है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है।